मंदसौर में किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी है। वहीं 5 किसानों की मौत से सरकार अब अपने बयान से पलट गई है। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना कि किसानों की मौत पुलिस फायरिंग से हुई। मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन यहाँ तक पहुंची है, कहाँ हुई, किससे चूक हुई और कौन अफसर या लोग हैं जिन पे आप अब कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश में कल शाम के बाद कोई घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से राज्य में शांति है। परसों एक दुखद घटना मंदसौर जिले के पिपलिया क्षेत्र में हुई है और उसमें पुलिस फायरिंग में हमारे 5 किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और उसके बाद कुछ जगह लोगों में नाराजगी थी। अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शांति है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के हित में निर्णय लिए हैं वो सारे आदेश जारी हो गए। किसान पूरी तरह से सरकार के साथ में है। कल भी कांग्रेस ने बंद का कॉल किया था और पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कांग्रेस को किसानों का समर्थन नहीं मिला और पूरी तरह से आज मध्य प्रदेश में शांति। जो फायरिंग की घटना हुई उसमें कौन लोग दोषी हैं, क्या ये सरकार आइडेंटिफाई कर रही है कौन पुलिस वाले दोषी हैं और किसके आदेश पर गोली चलाई गई? देखिए, इसी सबके न्यायिक जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और न्यायिक जांच में स्पष्ट होगा कि गोली क्यों चलाई गई, किन परिस्थितियों में चलाई गई, ये सारा न्यायिक जांच में स्पष्ट होगा। क्या आपको लगता है कि अगर किसानों से समय रहते बात कर ली जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, इतनी हिंसा नहीं होती? देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये सिर्फ मंदसौर जिले के पिपलिया में ये घटना हुई है और मैं ये मानता हूँ कि अगर वहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से इसको हैंडल करता तो ये घटना नहीं होती और इसलिए ठीक ढंग से हैंडल ना कर पाने के कारण। लेकिन किसान तो सर सरकार से बातचीत करने की मांग कर रहे थे, जो मांगे थी वो सरकार को लेकर के थी। देखिए, किसानों की जो मांगे थी वो किसानों की सारी मांगे 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने मान ली थी। ये जो गोली चली है या जो घटना हुई है इसका किसान आंदोलन से सीधा संबंध नहीं है। ये वहाँ पर किसान आंदोलन के दरमियान जो कुछ वहाँ के स्थानीय व्यापारी और किसानों में जो विवाद हुआ वो विवाद का रूप विवाद बढ़ता गया और उस विवाद के कारण ये सारी परिस्थितियाँ निर्मित हुई। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि अगर प्रशासन ने समय पर हैंडल किया होता, वहाँ के कलेक्टर SP ने, तो ये घटना नहीं होती। ये कोई किसानों की मांगों को लेकर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, ये स्थानीय कारणों को लेकर ऐसी परिस्थितियां। स्थानीय कारण होते तो बाकी जो 6 जिले हैं वहां पे तो हिंसा नहीं फैलती ना? बाकी 6 जिलों में जो हिंसा कल कुछ जगह हुई है जी, वो उसका रिएक्शन था, उसके पहले कहीं पर हिंसा नहीं हुई। तो क्या किसानों से कोई फॉर्मली सरकार बातचीत करने जा रही है ताकि ये पूरा सिचुएशन कूल डाउन किया जाए? किसानों का आंदोलन है ही नहीं मध्य प्रदेश में, कि लोगों को ये गलत जानकारी है। मीडिया से भी मैं आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी किसान सड़कों पर नहीं है, ना किसानों का आंदोलन है। तो कौन लोग हैं जो सड़कों पे हैं और कौन लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं? ये पूरी तरह से कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है कि ये जो घटना हुई है, परसों दुखद घटना हुई है, इस घटना के आधार पर प्रदेश के किसानों को हिंसक किया जाए जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, ये कोशिश कांग्रेस बहुत बड़ा आरोप।